नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पवन, एक बार फिर से आप लोगों के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कॉमन कोल्ड और फ्लू है वो कोरोना से कितना अलग है। दोस्तों, आज कल अगर किसी को भी खांसी सर्दी जुकाम होता है तो हर किसी को एक चिंता हो जाती है कि क्या उसको कोरोना है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कोरोना में क्या क्या चीज़ें होती हैं और नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कब आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और कब आपको हॉस्पिटल में जाके दिखाना है। दोस्तों, कॉमन कोल्ड और जो फ्लू है ये एक फ्लू वायरस है जो 200 से ज़्यादा वायरस की वजह से हो सकता है, जैसे कि स्वाइन फ्लू और भी बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड हो सकता है। और उसके लिए ऑलरेडी मार्केट में वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और वो ट्रीटेबल है, वो ठीक हो सकती है। फिर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस COVID-19 जो SARS-CoV-2 की वजह से होता है, वहीं अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड फ्लू की, ये एक नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम है जो बहुत से लोगों को हो सकती है, लेकिन ये कोरोना वायरस से अलग है। इन दोनों को अलग करने के लिए अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, तो दोनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी जो संक्रमित है और अगर वह बिना मुंह में हाथ लगाए या मास्क लगाए छींकता या खांसता है तो यह वायरस हवा में कुछ देर के लिए रह सकता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी समय पर उस संक्रमित एरिया में आता है तो उसको भी कोरोना वायरस या ये नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस और जो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम है, आजकल ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम होता है तो लोगों को लगता है क्या मुझे कोरोना है या नहीं। दोस्तों, अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड और फ्लू और कोरोना वायरस के लक्षण की, तो दोस्तों कोरोना वायरस और कॉमन कोल्ड फ्लू के जो लक्षण हैं वो लगभग एक जैसे हो सकते हैं, जैसे कि खांसी आना, जुकाम रहना, वीकनेस होना और कई लोगों में सांस लेने में तकलीफ होना और बुखार भी होना। दोस्तों, कोरोना वायरस में हाई ग्रेड फीवर होता है, जैसे कि 100 से ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, वो कॉमन कोल्ड और फ्लू में भी हो सकता है। और दोस्तों, कोरोना वायरस का जो वायरस है ये आपके शरीर में जाता है, मुंह और आँख के थ्रू आपके शरीर में जाता है और फिर उसके बाद ये आपके लंग्स तक जाता है। लंग्स पे जाके ये इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से लंग्स में स्वेलिंग हो सकती है, लंग्स यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन कर सकता है, जिसको हम निमोनिया बोल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में दोस्तों कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि दोनों के जब साइंस, सिम्टम्स, सारी चीज़ें लगभग सेम है, तो आप घर पर रह के ये चीज़ कैसे पता करें कि क्या ये कोरोना वायरस है या नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम है। दोस्तों, नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही लेते हैं और उसके लिए काफ़ी सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हम घर पर बैठ के उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे हम अवॉइड करेंगे ठंडा पानी, ठंडी चीज़ों का सेवन और खट्टी चीज़ों का सेवन हम अवॉइड करेंगे, पेनल्टी ऑफ फ्रूट और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे और रेस्ट करेंगे। एंड दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दी हुई कई सारी दवाइयाँ हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है तो ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ का आप चेकअप कराएं, अपने डॉक्टर से सलाह लें और समझें। कई सारी मेडिकल स्टडीज़ में कोरोना वायरस के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और इस वीडियो में आपको वो दिखाऊँगा भी और उसके बारे में कोशिश करूँगा कि आप तक वो चीज़ मैं पहुँचा सकूँ। तो कॉमन कोल्ड एंड फ्लू और कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं उनमें से हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमारी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ना कोई इस समय विदेश गया था या नहीं गया था, कोई चाइना से कांटेक्ट में था या नहीं था, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके आप कांटेक्ट में आए हो वह कहीं विदेश गया हो या किसी के कांटेक्ट में हो, या कोई कोरोना पॉजिटिव है उसके आप कांटेक्ट में आए हो या आप हेल्थ केयर वर्कर हो, इस कंडीशन में अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी है और कोरोना के लिए टेस्ट कराना है। कुछ लोग हैं जिनको ज़्यादा बीमार होने की संभावना है, जैसे कि ओल्ड एज के लोग, जैसे कि जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है या जिनको कोई भी हार्ट की बीमारी है, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी अपने आप में बहुत कम है, ऐसे लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ज़्यादा बीमार होने की संभावना। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से कैसे बचाव करना है ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको कई बार बताया है,
कृपया करके घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, नमस्कार।